एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पहुंच गए हैं कसार देवी टेम्पल। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत हाइट पर लोकेटेड है और यहाँ की जो वाइब्स हैं बहुत अलग है। तो लोग यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ध्यान करने के लिए आते हैं और जो आपको व्यू दिखाऊंगी वो बिल्कुल अमेजिंग व्यू है। देखिए ये सारे क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स के ऊपर यहाँ पर हम हैं। सो आइए ले चलती हूँ आपको शुरुआत से कि कैसे मैं कसार देवी टेम्पल तक पहुँची। तो अभी स्टेशन है ये हरिद्वार का और यहाँ से मैं लूँगी हल्द्वानी के लिए ट्रेन, जिसमें मुझे लगे 7 घंटे और सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं पहुँच गई हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर। जाना तो नैनीताल था लेकिन रास्ते में मेरा मूड बदल गया और मुझे लगा कि इस बार कसार देवी ज़रूर जाना चाहिए, बहुत सुना इस जगह के बारे में। तो चलेंगे कसार देवी के लिए अल्मोड़ा के लिए और बाहर जाके आपको बहुत सारी टैक्सीज मिलेंगी, हल्द्वानी या काठगोदाम दोनों ही स्टेशन से आपको प्राइवेट टैक्सी शेयर टैक्सी दोनों मिल जाएंगी। तो मैं लूँगी शेयर टैक्सी क्योंकि शेयर टैक्सी बुक कर ली है जिसमें मुझे 400 रुपीज़ का फेयर लगा पर पर्सन और जिसमें लगेंगे कुछ 4 घंटे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। और रास्ते में ये सुंदर सुंदर व्यूज़ आपको दिखाते हुए चल रही हूँ, ये देखिए। और बहुत तरह तरह के मंदिर हैं जो पहाड़ों पर बसे हुए होते हैं, इसीलिए तो उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि। यहाँ पे हर जगह पर आपको मंदिर मिलेंगे। खूबसूरत व्यू के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ और ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में, जिनको देख कर बहुत खुशी मिलती है। और रास्ते में हमें मिला ये कैची धाम, भीम करोली बाबा का ये धाम है ये, जो कि बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग इसे विज़िट करने आते हैं। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर रोक कर हमें दर्शन कराए। तो आइए आपको भी ले चलती हूँ अंदर। दर्शन के बाद चल पड़े हम आगे के लिए अपनी मंजिल की ओर। और रास्ते में खूबसूरत नदी, झरने, पहाड़ देखते हुए वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। और ये है सुंदर अल्मोड़ा का व्यू, चारों तरफ माउंटेन रेंजेस आपको नज़र आएंगी और दूर से नंदा देवी पर्वत भी नज़र आएंगे। ये है हॉर्स हॉस्टल जो कि कसार देवी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पे बुक किया था मैंने अपना स्टे। आइए आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ रुकी हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कितना खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है। तो बस सनराइज़ विटनेस करने के बाद मैं निकल पड़ी वॉक पर और वॉक करते करते हम चलेंगे कसार देवी मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलेंगे बाय वॉक व्यू एंजॉय करते करते। तो यहाँ से चलेंगे हम ऊपर ट्रैक के लिए, कुछ 0.5 किलोमीटर का ट्रैक है और जो हमें ले चलेगा मंदिर की ओर। ये मंदिर बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर लोकेटेड है जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है और अपने आप में व्यू इतना खूबसूरत है। और क्यों फेमस है ये मंदिर आइए जानते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने यहाँ पर राक्षस शुंभ और निशुंभ का संहार किया था। कसार देवी के आसपास का जो पूरा एरिया है वो वेन एलन बेल्ट है, जहाँ पर धरती के भीतर विशाल चुंबकीय बिंदु है, पिंड है। इस पिंड में विद्युतीय चार्ज कणों की परत होती है जिसे रेडिएशन भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी है इस जगह पर, जो कि कहा जाता है कि मेडिटेशन के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर दूर दूर से लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी है जो सिर्फ 3 जगहों पर है,
एक इंग्लैंड में, एक पेरू में और एक यहाँ पे उत्तराखंड में। सो उसी को महसूस करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। That's beautiful, Mohan's Cafe, जो हमें रास्ते में मिला कसार देवी से आते हुए। तो यहाँ से आ रहा है अल्मोड़ा का खूबसूरत व्यू, और व्यू एंजॉय करते करते मैंने ऑर्डर किया अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकलूँगी नैनीताल के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।